मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई हरकत ने आशुतोष राणा को काफी ठेस पहुंचाया है, जिसका गुस्सा उन्होंने ट्वीट कर जाहिर किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि इतिहास साक्षी है कि जब भी किसी अताकई ने स्त्री का हरण किया है या चीर हरण किया है, उसकी कीमत संपूर्ण मनुष्य जाति को चुकानी पड़ी है। जैसे सत्य, तप, पवित्रता और दान धर्म के चार चरण होते हैं, वैसे ही लोकतंत्र की भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व पत्रकारिता रूपी चार चरण होते हैं। लोकतंत्र के इन चारों स्तंभों को एक दूसरे के साथ लय से लय मिलाकर चलना होगा, तभी वो लोग को अमानुषिक कृत्यों के प्रलय के ताप से मुक्त करा पाएंगे। अब समय आ गया है जब सभी राजनीतिक दलों और राजनेताओं को मीडिया हाउसेज और मीडिया कर्मियों को अपने मत मतांतरों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों को भूल कर राष्ट्र कल्याण, लोक कल्याण के लिए सामूहिक रूप से उद्यम करना होगा, क्योंकि ये राष्ट्र सभी का है। सभी दल और दलपति देश और देशवासियों के रक्षण पोषण संवर्धन के लिए वचनबद्ध है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्त्री का शोषण, उसके ऊपर किया गया अत्याचार, उसका दमन, उसका मान आदि मानवता पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर एक कलंक की खातिर है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए इस अत्याचार ने एक्ट्रेस को काफी आहत किया। इस पर ट्वीट करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, मणिपुर वीडियो ने सभी की आत्मा को छक्षुर कलंक किया है। वो परेड महिलाओं ने नहीं बल्कि इंसानियत थी। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने मणिपुर में दो महिलाओं के साथ गतिविधि पर दुख करते हुए लिखा, पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए ट्वीट किया, मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का वीडियो देख कर हिल गया, निराश करता हूँ कि दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिले, दोबारा ऐसी भयावह हरकत करने के बारे में ना सोचे। इस हिंसा पर रिएक्ट करते हुए कियारा आडवाणी ने लिखा, मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार काफी डरावना था, इसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले जो डिजर्व करते हैं। उर्मिला मातोंडकर ने मणिपुर की घटना का कड़ा विरोध किया और लिखा, मणिपुर वीडियो और इस फैक्ट से शॉक्ड और डरी हुई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शर्मानी चाहिए उन लोगों को जो सत्ता के नशे में चूर ऊंचाइयों पर बैठे हैं, मीडिया के जूकर उन्हें चाट रहे हैं, मशहूर हस्तियां जो चुप है, प्यारे देशवासियों हम ऐसे कब बन गए। इस घटना से संजय दत्त काफी शॉक्ड है। उन्होंने ट्वीट किया, मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दिखाने वाला वीडियो चौंकाने वाला और दर्दनाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये साफ संदेश दिया जाए कि ऐसी हरकतें किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। रेणु सहाने ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो न्याय मिलना असंभव है। जिनकी देखरेख में 4 मई को जघन्य अपराध किया गया, वही अब अचानक जलकर और उन हजारों पापियों में से किसी को गिरफ्तार किया ताकि लोग किसी तरह इस शर्मसार करने वाले कुकर्म को भूल जाए, इनका जमीन मर चुका है, बेशर्मी जिंदाबाद। वही द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इस हिंसा पर रिएक्ट करते हुए ट्वीट किया, जब एक निश्चित जनजाति मंत्री आईजी पुलिस के घरों, दुकानों, कारों और घरों को जला रही थी तो कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के उस भयावह मंसूबे को उजागर किया जाना चाहिए और उनकी निंदा की जानी चाहिए। अमेरिका के बुरे पक्ष को उजागर किया जाना चाहिए जो एक निश्चित जनजाति को पैसे दे रहा है और उन्हें दूसरी जनजाति के खिलाफ हिंसा करने को उकसा रहा है। जो कोई भी जनजाति को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है वो समान रूप से दोषी है।